वेलकम बैक टू द काफोस एंड जैसा कि आपने मेरा टाइटल एंड थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम कंपैरिजन करेंगे टाटा पंच एंड हुंडई एक्स्टर के बीच में। हम इन दोनों गाड़ियों के बीच में फुल डिटेल में कंपैरिजन करेंगे, इंक्लूडिंग इट्स डायमेंशंस, एक्सटीरियर लुक्स एंड फीचर्स, इंटीरियर फीचर्स, इंजन वाइज, सेफ्टी वाइज, मतलब कि हर एक सिंगल डिटेल कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पे कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पड़ी रहती है। दैट विल हेल्प यू टू बाय राइट कार अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। सो यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस को कंपेयर कर लेते हैं। लेंथ की बात करें, आपको टाटा पंच में 3827 mm की लेंथ, ऑन द अदर साइड 3815 mm की लेंथ मिल जाएगी आपको एक्स्ट्रा में। सो यहाँ पे विनर है टाटा पंच। उसके साथ विड्थ भी आपको पंच में ज़्यादा देखने को मिलेगी, 1742 mm की। एंड अगर हम बात करें हाइट की, वो आपको एक्स्ट्रा में ज़्यादा देखने को मिलेगी, 1631 mm की। व्हील बेस एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, पंच में आपको 2445 mm का व्हील बेस एंड 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। ऑन द अदर साइड एक्स्ट्रा में आपको 2450 mm का व्हील बेस एंड 185 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगी। बाकी बूट स्पेस की बात करें, पंच में आपको अबाउट 366 liters का बूट देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा में आपको 391 liters का। सो यहाँ पे मिल रहा है हुंडई एक्स्ट्रा। सो अब जल्दी से कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के एक्सटर्नल लुक्स एंड कॉमन फीचर्स को। फ्रंट लुक की बात करें, फ्रंट में आपको इन दोनों गाड़ियों में LED DRLs प्रोवाइड किए जाएंगे विद हैलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। साइड लुक में आपको पंच में 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स प्रोवाइड किए जाएंगे, एक्स्ट्रा में आपको 15 इंचेस के। बाकी आपको इन दोनों गाड़ियों में बॉडी कलर डोर हैंडल्स एंड ORVMs देखने को मिल जाएंगे। रियर प्रोफाइल में आपको इन दोनों गाड़ियों में LED टेल लैंप्स, रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे डाउन साइड बम्पर विद रियर वाइपर, रियर कैमरा, रियर डिफॉगर एंड आपको स्पॉइलर भी मिल जाएगा। उसके साथ रूफ की बात करें, रूफ में आपको इन दोनों गाड़ियों में रूफ रेल्स देखने को मिल जाएंगे, पर आपको एक्स्ट्रा में शार्क फिन एंटीना देखने को मिलेगा, पंच में नॉर्मल। ऑन द अदर साइड एक्स्ट्रा में आपको सनरूफ एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा ओवर टाटा पंच। पर टाटा ने 2023 ऑटो एक्सपो में एक टाटा पंच CNG मॉडल शोकेस करा था, जिसमें टाटा पंच में आपको सनरूफ देखने को मिल जाएगा। सो आने वाले टाइम में आपको टाटा पंच में भी सनरूफ देखने को मिल जाएगा विद शार्क फिन एंटीना, पर वो अभी तक मॉडल लॉन्च नहीं हुआ, यानी कि टाटा पंच CNG। सो अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के इंटीरियर को। जैसा कि आप इन दोनों गाड़ियों का इंटीरियर देख ही पा रहे हैं, आपको इन दोनों गाड़ियों में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, पर आपको हुंडई एक्स्टर में फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। ऑन द अदर साइड टाटा पंच में आपको सेमी डिजिटल। बाकी आपको इन दोनों गाड़ियों में ऑटोमेटिक AC, पुश स्टार्ट बटन विद कीलेस एंट्री, क्रूज कंट्रोल, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा। टाटा पंच में आपको 7 inches का, ऑन द अदर साइड एक्स्ट्रा में आपको 8 inches का। बाकी अगर बात करें एक्स्ट्रा में आपको कौन से फीचर्स एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे, एक्स्ट्रा में रियर AC वेंट्स देखने को मिल जाएंगे विद वायरलेस चार्जर एंड डैश कैम विद ड्यूल कैमरा। सो ये सब फीचर्स आपको एक्स्ट्रा में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, पर टाटा पंच में आपको रियर आर्मरेस्ट देखने को मिल जाएगा, रियर आर्मरेस्ट आपको एक्स्ट्रा में नहीं देखने को मिलेगा। सो ये कंपेयर कर लिया हमने इन दोनों मॉडल्स के इंटीरियर को, आपको थोड़े ज़्यादा बेटर फीचर्स मिल जाएंगे इन हुंडई एक्स्ट्रा। सेफ्टी वाइज आपको टाटा पंच के हर एक मॉडल में, यानी कि बेस से लेकर टॉप मॉडल में, आपको सिर्फ 2 airbags देखने को मिलेंगे। ऑन द अदर साइड हुंडई एक्स्ट्रा के बेस से लेके टॉप वेरिएंट में, यानी कि हर एक वेरिएंट में आपको 6 airbags स्टैंडर्ड देखने को मिलेंगे, जो बहुत बढ़िया बात है। बाकी आपको इन दोनों गाड़ियों में ABS CVT विद रिवर्स कैमरा जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, पर आपको एक्स्ट्रा में 6 airbags स्टैंडर्ड, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा ओवर टाटा पंच। सो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी फीचर्स यहाँ पे क्लियरली विनर है हुंडई एक्स्ट्रा। एंड अगर मैं बात करूँ बिल्ड क्वालिटी की, बिल्ड क्वालिटी में यहाँ पे टाटा पंच को तो 5 stars मिले हैं। ऑन द अदर साइड हुंडई एक्स्ट्रा का अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ, पर आपको हुंडई कार्स में एवरेज बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है, यानी कि 3-4 stars तो आपको मिल ही जाएंगे हुंडई एक्स्ट्रा में। सो अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के इंजन्स को। टाटा पंच में आपको एक 1.2 liter का 3-cylinder पेट्रोल इंजन प्रोवाइड किया जाता है, जो प्रोड्यूस करता है 84 BHP एट द रेट 145 nm ऑफ टॉर्क, जिसकी माइलेज है 20 kmpl। ऑन द अदर साइड एक्स्ट्रा में आपको एक 1.2 लीटर का 4-cylinder पेट्रोल इंजन प्रोवाइड किया जाता है, जो प्रोड्यूस करता है 83 BHP एट द रेट 114 nm ऑफ टॉर्क, जिसकी माइलेज है 19.4 kmpl। एंड ये इंजन आपको CNG के ऑप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। CNG में इंजन अबाउट 69 BHP पावर प्रोड्यूस करेगा एट द रेट 95 nm ऑफ टॉर्क, जिसकी माइलेज होने वाली है 27.1 kmpl। सो इन टर्म्स ऑफ माइलेज
यहाँ पे आपको इन दोनों गाड़ियों में लगभग सेम माइलेज देखने को मिल जाएगी। और अगर हम पावर की बात करें, पावर भी आपको इन दोनों गाड़ियों में सेम ही देखने को मिल रही है। बाकी ये दोनों गाड़ियाँ आपको ऑटोमेटिक एंड मैनुअल के ऑप्शन में प्रोवाइड कर दी जाती हैं। सो ये था मेरा कंपैरिजन बिटवीन दीज टू कार्स। कैसा लगा आपको कमेंट करके बता देना। एंड अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है वो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड कमेंट में मुझे ये भी बता देना कि आप कौन सी गाड़ी लेने जा रहे हैं, यानी कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बेटर है और वो क्यों बेटर है। सो टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। एंड जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाना।